आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू सुर्खियों में हैं। ये लड्डू आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं, लेकिन इसी प्रतीक के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को भोग के रूप में लगने वाले इन लड्डुओं की कहानी बड़ी निराली है। मान्यता है कि खुद माता लक्ष्मी ने एक भक्त के रूप में आकर मूर्ति स्थापना के दौरान ये लड्डू प्रथम नैवेद्य के रूप में चढ़ाए थे, जिनका स्वाद अद्भुत था। माता के बताए तरीके से ही ये लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन अब इन्हीं लड्डुओं में मिलावट का ग्रहण लग गया है। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाए जाने का आरोप लगा है। जांच रिपोर्ट भी कह रही है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें बीफ टैलो, लार्ड और फिश ऑयल की मात्रा पाई गई है। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल इन लड्डुओं से सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है। अब इन्हीं लड्डुओं में मिलावट के मामले ने देश भर में भूचाल मचा दिया है। इसलिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर बीफ टैलो, लार्ड और फिश ऑयल है क्या। सबसे पहले जानिए बीफ टैलो क्या होता है। ये जानवरों की पसलियों के टिश्यू से निकाला गया फैट होता है। इस फैट को धीमी आंच पर पकाया जाता है। गर्म करने से ये फैट लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये मक्खन, मोम और क्रीम की तरह चिकनाई वाले प्रोडक्ट के रूप में दिखता है। इसका इस्तेमाल मिलावटी घी, मोमबत्ती या लुब्रिकेंट बनाने में होता है। जो एनिमल फैट है और उसकी जो चर्बी से अगर कुछ घी में एडल्ट्रेशन हुई है तो उसका हार्ट पे असर अच्छा नहीं होता, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लिवर पे अच्छा असर नहीं होता। तो इसीलिए एनिमल फैट किसी भी तरीके का कंज्यूम करने से हिदायत दी जाती है कि ये ना कंज्यूम किया जाए, क्योंकि इसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए लिवर में प्रॉब्लम होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। आरोप है कि इसी बीफ टैलो की मिलावट तिरुपति के लड्डुओं में की गई है। यही नहीं, इन भगवान के भोग रूपी इन लड्डुओं में लार्ड की भी मिलावट की गई है। अब ये भी जान लीजिए कि लार्ड क्या होता है। इसे सुअरों के फैटी टिश्यू को पिघलाकर बनाया जाता है। सफेद, ठोस और अर्ध ठोस मक्खन जैसा प्रोडक्ट होता है। खाना बनाने जैसे तलने, भूनने और पकाने में इस्तेमाल होता है। तिरुपति के लड्डू में फिश ऑयल के भी इस्तेमाल की बात कही जा रही है। फिश ऑयल हेरिंग, ट्यूना, एनकोबीज और मैकेरल जैसी तैलीय मछलियों से निकाला जाता है। एक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि लड्डू प्रसादम में घी के बजाय बीफ टैलो और लार्ड के साथ फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, जो तिरुमला की पवित्रता और प्रतिष्ठा के साथ लोगों की आस्था और स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। इन दोनों ही चीजों के स्वास्थ्य पर असर की बात करें तो बीफ टैलो में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इसके इस्तेमाल से दिल के रोग और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है। वहीं लार्ड में भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का खतरा होता है। तिरुपति मंदिर के लड्डू को मंदिर के रसोई घर में ही बनाया जाता है। इस लड्डू को GI टैग भी प्राप्त है। ऐसे में इस लड्डू को बनाने का पेटेंट सिर्फ मंदिर को ही प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि इस लड्डू को बतौर प्रसाद लिए बिना तिरुपति बालाजी का दर्शन अधूरा होता है। लेकिन आस्था और विश्वास के प्रतीक इस लड्डू में मिलावट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज नेशन। तिरुपति मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है। इस मंदिर की संपत्ति कितनी है और हर साल कितना चढ़ावा यहाँ आता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। टन से ज्यादा सोने का भंडार, अट्ठारह
18,000 करोड़ से ज्यादा कैश रिजर्व, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, इतनी अकूत संपत्ति है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की, जो शायद किसी छोटे देश की जीडीपी से भी ज्यादा होगी। मंदिर प्रबंधन के आंकड़ों के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर के पास 11.3 टन सोना है। इस सोने की कीमत करीब 8,496 करोड़ रुपए है। अप्रैल 2024 तक 18,817 करोड़ का कैश रिजर्व भी था। मुख्य देवता के स्वर्ण आभूषणों का वजन 1,088.62 किलोग्राम है, जबकि चांदी के आभूषणों का वजन 9,071.85 किलोग्राम है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में ट्रस्ट के स्वामित्व वाली संपत्ति का अनुमानित मूल्य 2.5 लाख करोड़ रुपए का था। अब इस ट्रस्ट की कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान है। इसमें भक्तों की तरफ से मंदिर को दान के रूप में दिए गए भूमि पार्सल, भवन, नकदी और बैंकों में जमा सोना शामिल है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अनुसार साल 2019 के बाद से गोल्ड और कैश के चढ़ावे में तेजी आई है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में TTD का बैंकों में 13,025 करोड़ रुपए कैश जमा था। ये बढ़कर अप्रैल 2024 तक 18,817 करोड़ रुपए हो गया, यानी 5 वर्षों में इसमें करीब 5,792 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसके अलावा सोने का चढ़ावा भी बढ़ा है, क्योंकि 2019 में 7.4 टन सोना था। 5 साल में सोने में करीब 4 टन का इजाफा हो गया है। ट्रस्ट की अलग अलग बैंकों में 13,287 करोड़ की FD भी है। अकेले इस FD पर ही सालाना 1,600 करोड़ का ब्याज आता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की संपत्ति सिर्फ तिरुपति में ही नहीं बल्कि देश भर में है। आंकड़ों को देखें तो TTD की सीमा के अंतर्गत 6,000 एकड़ वन भूमि, 75 स्थानों पर 7,636 एकड़ संपत्तियां अचल संपत्तियों में शामिल हैं। इसमें 1,226 एकड़ कृषि भूमि है, जबकि 6,409 एकड़ गैर कृषि भूमि है। इसके अलावा देश भर में 71 मंदिर TTD के सहयोग से चल रहे हैं और 535 अन्य संपत्तियां हैं, जिनमें से 159 पट्टे पर दी गई हैं। पट्टे पर दी गई इन संपत्तियों से TTD को 4 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। दरअसल तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए हर दिन औसतन 80,000 लोग पहुंचते हैं और उसी अनुपात में मंदिर को चढ़ावा आता है। इस मंदिर में भक्तों की आस्था दिन पर दिन बढ़ रही है और उसी अनुपात में मंदिर का खजाना भी भर रहा है।